शिव मंदिर दसुहा में स्थापित पारे मरकरी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने और पूजा करने से दुख तकलीफ से निजात मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जगमोहन महाजन जी से दलजीत अजनोहा को ओर से की गई विशेष बातचीत दौरान उन्होंने दी जानकारी। भगवान शिव का भोले नाथ का मंदिर, इस मंदिर के इतिहास के बारे में, जहाँ जो पांडवों का इतिहास है, पांडवों का भी यहाँ ज्ञात हुआ, पूरे मंदिर के इतिहास के बारे में जो बात ऐसी है जी, ये जो मंदिर है ना, ये जो मेरा बेटा शरीर छोड़ चुका है जी, उसकी ये कामना थी कि एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर जो है ना इसके प्रांगण में, तो उसी को लेकर ये पारे शिवलिंग है, पारे का बना, इसकी पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है, जिसका यहाँ पे वर्णन तो नहीं किया जा सकता, समय कम है जी। इसके जो गर्भगृह है ना, इसके नीचे बिल्कुल जी 984,000 के करीब मंत्र जो हैं इस सारे में रखे गए हैं। इसकी चारों दिशा में ये मंत्र और इसके जो गर्भगृह में जी। वो भोज पत्र पे लिखे हुए मंत्र जो है जी, वो जी, शिवाय जी, जी। हाथ से लिखे हुए मंत्र जो है जी, वो रखे गए जी, और इसी को स्थापित किया गया है। और इसकी पूजा से बहुत ही विशेष महत्व है इसका, जो बच्चे अपनी माँ माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, नहीं चलते, अगर वो उनके द्वारा इनके ऊपर अपने पानी जो है वो इसको मतलब पानी डालें जी, तो वो लगभग एक दो चार महीने में ही वो माँ बाप के जो है आज्ञाकारी बच्चे बन सकते हैं। माता पिता को चाहिए पे इस पे जल डालना चाहिए, शिवलिंग का शिवलिंग है इस पे डालना चाहिए, बच्चों से डरवाएं जी, और अनेक रोग जो है जी उनका जो निवारण करते हैं जी। तो यही इसका जो है ज्यादा महत्व है। और यहाँ पे जो ये ऐसे ऐसा वर्णन है कि ये पांडवों के द्वारा है, लेकिन जी दुख की बात है जी, हमारी छड़ी से लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा, रोग खत्म कर दिया। यहाँ पे जो बातचीत चल रही थी इसके पूजा अर्चना के बारे में, इस पे जल डालने के लिए जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, उनकी आज्ञा में नहीं करते, तो उसके आगे मतलब किस तरह से ये करना चाहिए, जैसे मंत्रोच्चारण के बीच में ये स्थापित किया गया, यहाँ पे पूरे मंत्रोच्चारण मंत्र किया है, उसके बाद आगे मंत्र की विधि तो बहुत लंबी है, लेकिन ओम नमः शिवाय ही इनका एक ऐसा मंत्र है जी, जी। जिससे वो बच्चे जो है इस पे पानी जो है वो डाल सकते हैं जी, और वो ये जो अपना लाभ जो है कर सकते हैं, अनेकों रोगों को ये दूर करने वाला शिवलिंग है जी, अनेकों कामनाओं को पूरा करने वाला ये शिवलिंग है। बहुत कम शिवलिंग जो है ना अपने पास वो यहाँ पे मिलते हैं, एक यहाँ पे स्थापित है, एक जो बल्डे में सार के दी है वहाँ पर भी पारे शिवलिंग है। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।